नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक 279 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.07% का डाउन मूव दिया है मार्केट में। इस स्टॉक को हम हुडको के नाम से जानते हैं। मार्केट कैप है इसकी 55,853 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 75%, बुक वैल्यू इसकी 83 है, डिविडेंड 1.29% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पहले इसमें ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखे थे स्टॉक 50 और 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई रेशियो 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे मीडियम से ऊपर है एंड 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखे मीडियम से बिल्कुल छोटू सी ऊपर है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। यहाँ पे मीडियम है आई थिंक 24.90 का एंड यहाँ पे मीडियम चल रहा है 5.5 या 6 के आसपास का, 5.5 या 6 के आसपास का। मीडियम चेंज हो गया है तो उसका पी का भी वो चेंज हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 100 पे इंटैक्ट है एंड सेल्स रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ था। अभी के लिए आ गए हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, आज जो हमें पिछले 3 दिनों से हमें जो देखने को मिल रहा है वो हमें यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिल रही है। गैप अप ओपनिंग हुई थी, रेड कैंडल मिली 11 जून को। हालांकि इसमें मूव मिला है हमें 5.07% का, 5% का मूव के बाद यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि ये रेंज शिफ्ट भी हुआ था तो वो भी आपको पता है कि आरएसआई यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट बनाती है, तो वहाँ पे हॉल्ट भी बोल सकते हैं एंड थोड़ा सा उम्मीद भी थी कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि काफी अच्छे मूव ये दे चुका है एंड प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है। तो अभी इस स्टॉक में जो अच्छी बात है वो ये है कि ये जो इसका सपोर्ट है 276 का, इसको ये टच करके वापस आ रहा है एंड 276.50 का लेके चलते हैं तो उसको टच करके ये वापस आ रहा है जरूर। आज का इसने लो जो लगाया 276.55 का लगाया है तो उसको टच करके वापस आ रहा है एंड सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। इसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, एक दिन दो दिन हो गए इसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। कल भी हमें डाउन मूव मिला था 0.59% का, आज हमें डाउन मूव मिला है 0.07% का, मतलब ना के बराबर मिला है बट स्टिल ऑफकोर्स मिला है, क्योंकि पैसों में जब होता है तो काउंट होता है। 20 पैसा आज डाउन गया है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो ऑफकोर्स काउंट होता है। तो अभी के लिए देखें तो हम यहाँ पे आ गए हैं एंड जो हम इसके टारगेट लेके चले थे तो ये हम 15th और 20th के बीच के टारगेट लेके चले थे एंड उम्मीद थी हमें कि वैसे इस वीक में ये कर जाएगा इसको अचीव। तो अभी इस वीक का हमारे पास ट्रेडिंग डे जो बचा है वो केवल एक बचा है एंड हमें टारगेट जो अचीव करना है 7.32% का टारगेट अचीव करना है एंड दे जाता है ये एक दिन में। यहाँ पे देखें तो इसने 7% से ऊपर का दिया है, यहाँ पे देखें 7.5% से ऊपर का दिया है, दे जाता है। बट ये इसको ब्रेक करना ना, ये भी कहीं ना कहीं हाई के रेजिस्टेंस है इसके एंड इसके बाद इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल का काम तो होएगा, क्योंकि आज ऊपर से रिजेक्शन मिली है, नीचे से रिवर्सल मिला है, तो दोनों चीजों में आज हुआ है। फ्लक्चुएशन देखी गई है काफी स्टॉक में, अभी के लिए वॉलेटिलिटी जरूर मिली है, मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है हमें स्टॉक में अभी। तो अभी के लिए मैं यही टारगेट लेके चली हूँ, कल देखते हैं कि क्या होता है एंड कल हमारे पास काफी दिन है, हम इसको एनालाइज कर लेंगे एंड उसके बाद मंडे के टारगेट थोड़ा सा देख के चलेंगे कि मार्केट किस तरह की है। निफ्टी जो है उसने आज फिर से न्यू हाई बनाया है, काफी इसकी गैप अप, बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग हुई थी आज बट सस्टेन नहीं कर पाई निफ्टी उधर एंड आज थोड़ा सा उसके नीचे आके क्लोजिंग दी है, बट फिर भी काफी अच्छा मूव मिला है निफ्टी में एंड इसकी क्लोजिंग जो रही है वो भी न्यू हाई की क्लोजिंग रही है। तो अगर मार्केट साथ देती है साथ साथ में, क्योंकि देखिए निफ्टी, मुझे लगता है कि निफ्टी ऐसे टुक टुक करके भी चलती रहे तब भी बहुत अच्छा है। चाहे हमें रेड कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है पर ये अप मूव मिल रहे हैं हमें सारे, क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोज हो रही है तो हमें रेड कैंडल मिल रही है बट सारे के सारे हमें अप मूव मिल रहे हैं, बहुत छोटू छोटू मूव मिल रहे हैं बट काफी फायदेमंद मूव मिल रहे हैं, क्योंकि इससे मार्केट को भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल रही है एंड स्टॉक्स भी काफी ऊपर जा रहे हैं। तो अभी के लिए अगर हम देखें, अगर निफ्टी ऐसे ही करती है, कल भी गैप अप ओपनिंग होती है एंड कुछ मूव हमें देखने को मिलता है तो मुझे लगता है ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। तो अभी मैं यही टारगेट लेके चलूंगी एंड ये हमारे जून के एंड के टारगेट हैं। अगर ये यहाँ से निकल गया और मार्केट ने साथ दिया और वॉल्यूम अच्छा रहा तो मुझे लगता है निकल सकता है। कल के वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम 47.71 मिलियन का था एंड आज वॉल्यूम 14.47 मिलियन का है। ये अच्छी बात मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि ग्रीन जो रेड कैंडल है ये दोनों दिन हमें डाउन मूव मिला है एंड दोनों दिन जो है हमें वॉल्यूम बहुत कम मिला है। इस दिन हमें अप मूव मिला है 5% का एंड इस दिन हमें, चाहे ये रेड कैंडल दिखा रही है बट अप मूव है एंड वॉल्यूम काफी अच्छा मिला है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पे हमें मूव मिल रहा है वहां पे
हमें वॉल्यूम काफी अच्छा मिल रहा है एंड रेड कैंडल पे हमें वॉल्यूम कम मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि बेच नहीं रहे हैं लोग, तो ये एक अच्छी बात है। तो एक बार इसके बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है। एंड एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पे पहले जब हम वीडियोस बना रहे थे तो आज ही ये न्यूज़ पॉपअप हुई हैं कि फर्स्ट को आई है एंड ये भी फर्स्ट को आई है। ये 31st तक ही न्यूज पॉपअप करी थी, ये तीनों जो न्यूज है ना ये पॉपअप नहीं कर रही थी एंड आज ही न्यूज ये पॉपअप करी है। तो मैं ये मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि 6 को इसका, अभी काफी पुरानी भी हो चुकी है न्यूज, बट 6 को इसका हुआ था एक MOU साइन, और किसके साथ हुआ था, हुड को है साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको हम IIFCL कहते हैं, अ कंपनी होली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल इसको ओन करती है एंड 6 जून को हुआ है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन विद द एम ऑफ रीइंफोर्सिंग कॉर्पोरेशन एंड कोलेबोरेशन टू लेवरेज रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स फॉर एक्सटेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग रीफाइनेंसिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद देयर रिस्पेक्टिव मैंडेट एंड पॉलिसीज। तो यहाँ पे बेसिकली उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए और रीफाइनेंस के जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे उनकी, उनको मैनेजमेंट के लिए एंड जो भी उनके उनको एक्सपेंड करने के लिए एंड बाकी सारी चीजों के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। एंड द MOU वॉज एग्जीक्यूटेड बाय श्री संजय कुलश्रेष्ठा एंड आई एम सो सॉरी अगर मैंने मिस प्रनाउंस किया है, कुलश्रेष्ठा, यस संजय कुलश्रेष्ठा जी के ने, और हुडको जो कि CMD हैं हुडको के, एंड डॉक्टर पद्मन भान राजा जयशंकर जी के साथ इनका, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIFCL में, ठीक है। तो ये सारा कुछ इन यहाँ पे मेंशन किया है। न्यूज काफी पुरानी हो चुकी है, इसके बाद ये 6th को आई थी न्यूज एंड 7th को जो है हमें कुछ खास मूव नहीं मिला था, नेगेटिव मूव मिला था, बट मार्केट की भी मार्केट थोड़ी सी चौपी थी। तो अभी के लिए देखिए हम, तो फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे बाई का दिया है एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे बाई किया जा सकता है एंड ये काफी अच्छे मूव आगे दे सकता है। हालांकि वो न्यूज पुरानी है बट फिर भी मैंने मेंशन कर दी क्योंकि आई डोंट नो आप लोगों को दिखी कि नहीं दिखी, पर मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। इनफैक्ट मैंने गैल की एक वीडियो बनाई थी एंड गैल की वीडियो पे किसी का कमेंट भी आया था कि मैम न्यूज है आप ध्यान से देखिए, एंड आई चेक्ड इट और मुझे नहीं दिखी फिर भी। तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड एज वेल कि ये किसने किया है या कोई ऐसे ही प्रैंक किया है, क्या किया है, तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया था फिर। बट एनी वे दैट पर्सन वॉज राइट एंड अगर आप वीडियो देख रहे हैं देन थैंक यू, क्योंकि मेरे को अपडेट नहीं हुआ था तो मैं देख नहीं पाई। तो अभी के लिए मैंने आपको ये सारा बता दिया एंड यहाँ पे रेंज शिफ्ट जरूर हुआ है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे हॉल्ट बना चुकी है अब RSI एंड RSI यहाँ से निकल सकती है। तो सो वीकली एक बार चेक कर ले हम कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहा है। तो वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें दिख तो रहा है कि ग्रीन कैंडल है एंड बायर्स के हाथ में स्टॉक है एंड उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा जाएगा ऊपर। यहाँ पे RSI की लाइन जो है स्मूदिंग एवरेज वाली जो लाइन है, मूविंग एवरेज जो है उसको RSI वाली लाइन कट करिए एंड हो सकता है कि यहाँ पे मूव हमें देखने को मिला। वैसे RSI थोड़ी सेटल हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, पर RSI यहाँ पे ऊपर ही है एंड हमें देखने को मिला कि RSI जब भी यहाँ पे होते 67 के आसपास से रिवर्सल लेती है और फिर मूव देती है। तो लेट्स सी अब क्या होता है, मार्केट कल साथ देती है कि नहीं देती है। कल इस ट्रेडिंग वीक का लास्ट डे है एंड उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा मार्केट अच्छी रहे, चौपी ना रहे। थोड़ी सी बोलिंजर बैंड अगर देखें तो बोलिंजर बैंड का डायरेक्शन ऊपर को है एंड माउथ नैरो होता जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट के साइंस हमें लग रहे हैं। एंड ये जो है सिंपल मूविंग एवरेज जो 20 डेज का है उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा। अब अगर इस जस्ट सेकंड इसको डिसेबल करो, ये जो सपोर्ट है 276 का, अगर स्टॉक इसको ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि हमें दुविधा का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। पर अभी के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में कोई करेक्शन ना आए और ये मूव दे जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।